Hello and welcome to SPMIS Academy Today we'll analyze important newspaper articles of 17th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Parliamentary panel on Soft Power of India. टॉपिक इज इंपोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं आखिर सॉफ्ट पावर होता क्या है उसके भी पहले जरा ब्रीफली समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पावर तो पावर कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू अफेक्ट अदर्स टू गेट आउटकम्स वन प्रेफर्स सरल भाषा में कहें तो पावर का मतलब होता है आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अफेक्ट कर पा रहे हैं ताकि उससे आप उस तरीके से काम करवा पाएं जैसे आप चाहते हैं दैट इज़ पावर तो पावर प्रैक्टिस करने के दो तरीके हो सकते हैं कोवर्सन या फोर्स एक तरीका हो सकता है अट्रैक्शन एंड परसुएसन दूसरा तरीका हो सकता है सरल भाषा में कहें तो आप किसी को डरा धमका करके दबाव बना करके काम करा सकते हैं या फिर आप किसी को कन्विंस करके अपने तरफ आप अट्रैक्ट करके और उससे अपने हिसाब से आप काम करवा सकते हैं तो ये दो तरीके होते हैं बेसिकली दूसरों के ऊपर पावर प्रैक्टिस करने के या तो डर से या तो फिर कन्विंस करके परसुएट करके अगर कोवर्सन से या फोर से कोई काम कराया जा रहा है तो इस तरह के पावर को कहा जाएगा हार्ड पावर जबकि सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू ऑप्टेन प्रेफर्ड आउटकम बाई अट्रैक्शन एंड परसुएशन तो कोई देश अगर आपसे आप जैसे स्विट्जरलैंड मैं ये अट्रैक्शन या परसुएसन की मैं बात करता हूँ इसको और मैं डिटेल में आके समझाऊंगा सॉफ्ट पावर को बट स्विट्जरलैंड के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि बहुत ही खूबसूरत देश होगा राइट तो स्विट्ज़रलैंड को लेकर के अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है या कोई एक एक, एक आ, कोई भी उससे इंटरेक्ट करने के लिए कोई नीति बनानी है तो नेचुरली ये जो आइडिया है स्विट्जरलैंड के बारे में हमारे मन में वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेगा कि बहुत अच्छा देश है लोग काफ़ी शांत व्यवहार के हैं सिमिलरली फॉर न्यूजीलैंड या नॉर्वे और एक तरफ आप सोचिए चाइना के बारे में कि चाइना तो चाइना के लिए जब भी आप पॉलिसी बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लगेगा कि बहुत ही हॉस्टाइल या फिर आप समझिए अग्रेसिव कंट्री है तो चाइना का जो इमेज है वो खराब है अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए अग्रेसन की पीस हारमनी के कॉन्टेक्स्ट में जबकि वही न्यूजीलैंड हो गया या नॉर्वे हो गया इनका इमेज अच्छा है तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बस अच्छे इमेज होने के कारण लोग आपके फेवर में उस हिसाब से काम कर लेते हैं तो उस केस में आप पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन एक सॉफ्ट पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं जबकि कई दफ़ा आप जब डरा धमका करके आप फोर्स का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से काम करवाते हैं तो आप हार्ड पावर का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेसिकली पावर का तो चाइना अपने हिसाब से काम करवा लेता है दुनिया के अलग अलग देशों से लेकिन वो हार्ड पावर का प्रैक्टिस कर रहा है जबकि अगर कोई भी देश न्यूज़ीलैंड के लिए नॉर्वे के लिए अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना रही है बना रहे हैं तो बेसिकली उसके पीछे सॉफ्ट पावर का रोल ज़्यादा है तो पावर के दो कैनोटेशन हो गए हार्ड एंड सॉफ़्ट देखिए हार्ड पावर तो ट्रेडिशनली पावर का मतलब हार्ड पावर ही समझा जाता रहा है राइट right, जो रियलिज्म की फिलोसफी है इंटरनेशनल रिलेशंस में विच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्लीस्ट वन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके हिसाब से पावर तो एक ही तरीके से होती है हार्ड पावर फोर्स कोवर्सन थ्रेड लेकिन वेरी लेट इन द वेरी लास्ट डिकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी जोसेफ नाई ने एक दूसरा डायमेंशन भी पावर का एक्सप्लेन किया दुनिया को उसको कहा गया सॉफ्ट पावर चीज़ बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में इसको लिबरलिज्म का अप्रोच माना जाता है पावर प्रैक्टिस करने का तो पावर के दो कैनोटेशन हो गए हार्ड एंड सॉफ्ट अगर सॉफ्ट पावर पे हम चर्चा करें कि क्या क्या फैक्टर सॉफ्ट पावर में रोल प्ले करते हैं तो कल्चर किसी देश का कल्चर जो है दुनिया के बाकी देशों को अगर अट्रैक्ट करता है एजुकेशन सिस्टम फॉरन पॉलिसी पोलिटिकल वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन तो बेसिकली जब आप सुनते हैं नॉर्वे के बारे में तो आपको लगता है कि वहाँ पे एक इक्वालिटी है समाज में सोशल जस्टिस है क्योंकि बेसिकली एच हो या जेंडर गैप हो सब में वो काफ़ी टॉप लेवल पे वो कंट्री आते हैं तो उसके बारे में सोच करके ही आपको लगता है कि तीस कंट्रीज़ आर वेरी पीसफुल हारमोनियस एंड दिस इज़ वॉट कैन बी कॉल्ड ए सॉफ्ट पावर तो सॉफ्ट पावर के बारे में थोड़ा और समझते हैं जैसे सॉफ्ट पावर में आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय बिल्डिंग गुड इमेज आप उसको सीधा सीधा डरा नहीं रहे हैं सीधा सीधा कुछ कन्विंस नहीं कर रहे लेकिन आप अच्छा इमेज बना करके और आप सामने वाले से काम करा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूँ आज के टाइम में मेसी लियोनॉल मेसी इज द मोस्ट डिस्कस्ड पर्सन राइट पूरे दुनिया भर में लेकिन अगर आप अर्जेंटीना के अंदर बात करें तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे ज़्यादा अभी पावर लेनल मेसी के पास होगा अगर वो अर्जेंटीनियन लोगों को कुछ बोले जिस तरीके का क्रेज़ अभी लोगों के अंदर है उनके लिए वो कुछ लोगों को बोले तो लोग उसको ज़रूर मानेंगे भले प्रेसिडेंट बोले तो लोग माने या ना माने प्रेसिडेंट के पास है हार्ड पावर उनके पास है आर्मी और पुलिस है जो लोगों को थ्रेटेन करके काम करा सकती है लेकिन मेसी की ऐसी इमेज है अभी लोग ऐसे उनको फॉलो कर रहे हैं कि वो जो बोलेंगे लोग अपने आप उसको करेंगे अगर मैसी ने कह दिया एग्जाम्पल के लिए कि सुबह उठना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए तो अर्जेंटीना के सारे यूथ लगभग वो काम करने लगेंगे सो दिस इज़ नोन अ सॉफ्ट पावर व्हेन यू डोंट हैव एनी फोर्स और थ्रेटनिंग थिंग इन योर हैंड येट वाट एवर यू वॉन्ट अदर्स टू डू अदर्स डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड इमेज दैट इज सॉफ्ट पावर अभी तो मेसी का एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पर बताया लेकिन कंट्रीज भी इस तरीके से सॉफ्ट पावर प्रैक्टिस करती हैं जैसे एग्जाम्पल में बात करी जाए यूएस की यूएस और चाइना में मेन अंतर जो है वो यही है अदरवाइज इकोनॉमिकली भी चाइना इज नाउ कैचिंग अप उसके अलावा मिलिट्री सुपर पावर में भी चाइना इज एट पार विथ यूएस लेकिन यूएस ने जिस तरह की इमेज बनाई है पूरे दुनिया भर में कि लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी है कैसे इमेज बनी है बेसिकली उनके अलग अलग टीवी सीरीज से आप सीरीज देख रहे हैं बिग बैंग थ्योरी आप सीरीज देख रहे हैं फ्रेंड्स तो अब ज़्यादातर लोग तो यू एस गए नहीं हैं येट बाई सींग सीरीज द गेट एन इमेज ऑफ द सोसाइटी इन यू एस एंड द दैट पीपल शेयर इन दो सोसाइटीज और उससे फिर एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है कि अच्छा अच्छा देश है यू एस हैज़ बिन सक्सेसफुल इन बिल्डिंग इट्स इमेज एज अ डेमोक्रेटिक नेशन इट क्लेम्स टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कल्चरल अट्रैक्शन भी है जैसे फूड को लेकर के के एफ सी मैकडी क्लोथ्स को लेकर के ब्लू जींस हर जगह हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस ओनली एंटरटेनमेंट हॉलीवुड फेसबुक ऑल सच थिंग्स हैव क्रिएटेड सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस वेयर चाइना इज लैकिंग अदरवाइज मिलिट्री पावर हो इकोनॉमिक पावर हो चाइना हैज़ क्लोज द गैप बट इट हैज नॉट बीन एबल टू क्लोज द गैप विथ रिस्पेक्ट टू यू एस एज फार एज सॉफ्ट पावर इज कंसर्न इंडिया के सॉफ्ट पावर की बात की जाए तो हम लोग भी अपने सॉफ्ट पावर को बिल्ड करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं जैसे इंडिया क्लेम्स एंड इट इज़ ट्रू एज वेल कि वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो ये एक हमारे सॉफ्ट पावर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वी क्लेम टू बी द लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म दो इट ओरिजिनेटेड अगर बर्थ वाइज देखी जाए तो नेपाल है बुद्धा का बर्थ तो नेपाल में हुआ बट ही गॉट इनलाइटेनमेंट ही डिलीवर्ड इज़ फॉर सरमन इन इंडिया सो दैट वे वी कैन से ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया और इस तरीके से वी ट्राई और वी डेवलप सॉफ्ट पावर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अलग अलग देश जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं जैसे श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान इनको हम लोग इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन माइत्री स्कीम जिसमें दुनिया के ज़्यादातर गरीब देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई किया बॉलीवुड इज़ ए सोर्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर योगा इंटरनेशनल योगा डे हमने इसीलिए लिए यू के लेवल पे उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कराया और सेलिब्रेट कराते हैं ताकि इंडिया का सॉफ्ट पावर डेवलप हो क्योंकि योगा की जैसे ही बात की जाएगी द कंट्री दैट विल फाइंड इट्स नेम असोसिएटेड विथ इट विल बी इंडिया तो इस तरीके से दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर बींग यूज बाई इंडिया इन ऑर्डर टू बिल्ड अपऑन इट्स सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर से फायदा क्या होता है देखिए सॉफ्ट पावर हेल्प्स इन क्रिएटिंग पॉजिटिव परसेप्शन फॉर अ कंट्री इट हेल्प्स इन चेंजिंग अदर्स एटीट्यूड विदाउट कॉम्पिटिशन और कंफ्लिक्ट तो सॉफ्ट पावर इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू गेट थिंग्स डन द वे यू वॉन्ट इट टू बी क्योंकि हार्ड पावर में यू हैव टू बेसिकली यूज़ योर आर्म्ड फोर्सेज यू हैव टू बिल्ड अपॉन न्यूक्लियर एंड अदर मिसाइल्स वेपन्स एंड ऑल बट सॉफ्ट पावर के लिए यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर गुड इमेज एंड कंट्रीज़ विल फॉलो द आइडियाज और बिलीफ दैट यू वॉन्ट देम टू फॉलो तो इसमें बिना कॉम्पिटिशन के बिना कंफ्लिक्ट के भी आप सामने वाले कंट्री का एटीट्यूड बदल सकते हैं इन योर ओन फेवर दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट पावर देखिए इंडिया का ठीक ठाक सा अच्छा खासा सॉफ्ट पावर है आप मान सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज इंडिया के बारे में अक्सर लोगों की अच्छी राय ही है पूरे दुनिया भर में कि वहाँ के लोग काफ़ी शांत विचार के हैं आजकल उस इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है बाई सम ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एंड ऑल अदरवाइज देर इज अ गुड इमेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड आज अ पीसफुल हारमोनियस कंट्री सिविलाइजनल हेरिटेज में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑल ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया रैंक्स ट्वेंटी सेवन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर येट में, हमारे यहां पर रिकमेंडेशन दिया है ऑन इंडियाज सॉफ्ट पावर वीजा विश चाइनाज एफर्ट क्योंकि चाइना सॉफ्ट पावर में उतना स्ट्रॉग नहीं है बट दीस डे चाइनाटेड फोकसिंग ऑन बिल्डिंग इट सॉफ्ट पावर तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक सजेशन दिया है कि आप भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए कि कैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर को डेवलप किया जाए आज कम्पेयर टू द चाइनीज ताकि इंडिया का सॉफ्ट पावर चाइना से हमेशा ऊपर ही रहे दिस इज़ व्हाट द कमिटी रिकमेंडेड अगर चाइना का सॉफ्ट पावर पे पुश देखा जाए हाउ चाइना हैज़ बिन पुशिंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर तो चाइना हैज़ बिन नाउ स्पेंडिंग अबाउट टेन बिलियन डॉलर्स एन ईयर ऑन कन्फ्यूसियस इंस्टीट्यूट जो चाइना का आप समझिए चाइना के कल्चर को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने वाला इंस्टीट्यूट है चाइना बेस्ड इंस्टीट्यूट कन्फ्यूसियस इंस्टीट्यूट उस $10 पर दस बिलियन डॉलर पर ईयर वो खर्च कर रहा है चाइना जबकि हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक इंस्टीट्यूशन आता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन आई इसका नाम जरूर याद रखिएगा दिस वर्क्स अंडर ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसकी मेन जिम्मेदारी है पूरे दुनिया भर में सॉफ्ट पावर इंडिया की डेवलप करने की तो जो अलग पे अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं कभी बैसाखी मनाया गया कभी होली मनाता है ये आई ताकि इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जाए तो आई का अगर आप ओवरऑल हर साल का बजट देखें तो तीन से चार करोड़ ही है जबकि कन्फ्यूसियस इंस्टीट्यूट का बजट दस बिलियन डॉलर एन ईयर है विच इज मच मोर हाईर एज कंपेयर टू द बजट ऑफ आई सी सी आर तो इसके लिए हमें इस इस परस्पेक्टिव पर ध्यान देने की जरूरत होगी अदरवाइज चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी एबल टू बिल्ड इट्स सॉफ्ट पावर ऑल्सो मच मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं सॉफ्ट पावर डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है तो इंडिया कैन फोकस ऑन गेटिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर आयुर्वेदा इंडिया कैन प्रिपेयर इट्स ओन सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स या इंडेक्स वेयर इट कैन मेजर इट्स सॉफ्ट पावर स्कोर और रैंक ताकि उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा सके दूरदर्शन को रिवाइव किया जा सकता है थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जा, जा सकता है और उसका ग्लोबल आउटरीच बनाया दिखाया जा सकता है लगाया जा सकता है ताकि पूरे दुनिया भर में लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में पता चल सके एंड प्रोएक्टिव इंटरेक्शन विथ इंडियन डायस्पोरा दैट इज ऑल्सो नीडेड इन ऑर्डर टू बिल्ड अप ऑन इंडियाज सॉफ्ट पावर इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर आर सिलेलेबस जीज पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया ने स्टार्ट किया है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया इज करेंटली होल्डिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन है रिजोल्यूशन नंबर टू फाइव एट नाइन विच कॉल्स अपॉन इट्स मेम्बर स्टेट्स टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू ब्रिंग जस्टिस टू द परपट्रेटर्स जस्टिस टू दर्पट्रेटर्स किलिंग ऑफ एंड ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन पर्सनल सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन नंबर टू फाइव एट नाइन ये कहता है कि जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पर्सनल्स यानी कि उनके ऑफिसर्स के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं खासकर उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो दुनिया भर में पीस कीपर्स का काम कर रहे हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो वायलेंस कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को मिल करके स्टेप लेना चाहिए दैट इज बेसिकली कोर ऑफ टू फाइव एट नाइन रेजोल्यूशन तो जो भी दुनिया के इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को हरास करते हैं उनके खिलाफ अट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को मिलजुल करके एक कंबाइंड या ज्वाइंट अफर्ट या एक्शन लेना चाहिए और फिर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी नंबर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का रेजोल्यूशन नंबर टू फाइव एट नाइन के हिसाब से इंडिया ने फिर ये ग्रुप बना दिया ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स इंडिया ने इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया इज़ करेंटली होल्डिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का काम होगा

by a key note on this has been given by our external affairs minister dr s jaisankar this topic वैसे पे prelims practice question हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दिस द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ईगल एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए अगर आप इंडिया यूएस रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल भी करते होंगे कि ट्रंप रेजीम में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिजम हो रहा था ट्रंप रेजीम का कि उन्होंने एच वन बी वीज़ा नॉर्म को स्ट्रिंजेंट कर दिया है एच वन बी वीज़ा नॉर्म से क्या होता है एच वन बी वीज़ा एक तरीके का वीज़ा सिस्टम है यूएस फॉलो करता है जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यूएस में आकर के काम करने का मौका मिलता है पढ़ सकते हैं यहाँ पे द एच वन बी वीज़ा अलाउज स्पेशलाइज फॉरन वर्कर्स इन टू यू राइट तो इंडिया से आप जो प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर इंजीनियर्स वो यू में जाकर के एच वीज़ा लेकर के काम कर सकते हैं तो एच वीज़ा एक इम्पॉटेंट जरिया था इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यूएस में एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का डोनाल्ड ट्रंप रेजीम के टाइम में एच वन बी वीज़ा नॉर्म्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन्स ला दिए गए थे जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ था खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलने में काफ़ी नुकसान हो रहा था बेसिकली उन्होंने अलग अलग देश के लिए कोटा फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा एक देश से एच वन बी वीज़ा प्रोफेशनल्स को नहीं मिलेगा तो इंडिया के लिए कोटा फिक्स करते ही इंडिया के कई सारे प्रोफेशनल जिनको पहले मौका मिल जा सकता था अब कोटा फिक्स करने के कारण अब उनको मौका नहीं मिल पा रहा था तो बेसिकली ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप रेजीम वन इशू बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिलेशन वॉज स्ट्रीजेंट नॉम्स फॉर एच वन बी वीजा नौ एच वन बी वीजा नॉम्स के लिए रिलैक्सेशन का प्रोविजन लेकर के आए हैं जो बिडेन रेजीम वहां की कांग्रेस ने पास कर दिया एक लॉ जिसका नाम है ईगल एक्ट और ईगल एक्ट के हिसाब से द कोटा पर कंट्री सिस्टम विल बी एलिमिनेटेड तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में जो एच वन बी वीज़ा के लिए जो कोटा सिस्टम लाया गया था दैट कोटा यानी कि नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड फॉर पर कंट्री विल बी नाउ एलिमिनेटेड फॉर इशूइंग ग्रीन कार्ड्स तो ग्रीन कार्ड क्या होता है इट इज़ ऑफिशियली परमानेंट रेजिडेंट कार्ड दैट इज गिवेन बाई द यू एस रेजीम फॉर एनी इमीग्रेंट्स स्टे इन यू एस एंड वर्क देयर वंस ए ग्रीन कार्ड इज इश्यूड इट इज वैलिड फॉर टेन ईयर्स तो आप सर इससे बहुत ज्यादा आपको नहीं कुछ इसमें समझना है ट्रंप के टाइम में आप क्रिटिसाइजम में लिखते थे कि एच वन बी वीजा नॉम हैव बिन मेड स्ट्रिंजेंट दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न बिटवीन इंडिया एंड यूएस अब आप लिख सकते हैं वन एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस इंट्रस्टीज द ईगल एक्ट विच विल अलाउ मोर इंडियन प्रोफेशनल्स और मोर इंडियन डायस्पोरा टू गेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन द यू एस बस इतना आप लिख सकते हैं वेयर टू यूज इन मीन्स यू कैन यूज इन मीन्स वेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन इंडिया यू एस डायरेक्टली आपसे ईगल एक्ट पर सवाल नहीं पूछा जाएगा ईगल एक्ट एक तरीका है जिससे अब इंडियन प्रोफेशनल्स को ईजी तरीके से यू एस के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी एच वन बी वीजा नॉम्स को रिलैक्स कर दिया गया है ग्रीन कार्ड मिलने में भी अब आसानी होगी इंडियन प्रोफेशनल्स को टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है इस तरह का मेन आपसे एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट स्ट इज अबाउट एयर सेड कॉन्सेप्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर पी पत्र पॉइंट ऑफ व्यू देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है एयर सेट का इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत अच्छा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सिस्टम लाया भी जा रहा है तो भी उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा बिकॉज़ जो पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पे अगर एयर पॉल्यूटेड है आसपास के एरिया में अगर एयर पॉल्यूटेड है तो हवाएं चलने से फिर इस एरिया में भी जहाँ पे आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छे प्रोविजन्स ला रहे थे तो इस एरिया में भी एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर सेड दैट हैज़ बिन गिवेन बाई वर्ल्ड बैंक इट सेज़ कि देर इज ए कॉमन जोग्राफिक एरिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला करके वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यह है कॉमन जोग्राफिक एरिया विच कैन बी कंसिडर्ड एज वन एयर शेड और अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक जगह पे अगर आपने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की भी तो भी वो काश इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि बाकी सारी जगहों से पुअर एयर जो है वो इस एरिया को आकर के कन्वर्स कर जाएगी तो एयर सेट इज अ कॉमन जोग्राफिक एरिया वेयर पॉल्यूटेंट्स गेट ट्रैप्ड क्रिएटिंग सिमिलर एयर क्वालिटी फॉर एवरी वन सो ये पूरे एरिया में मोर और लेस सिमिलर एयर क्वालिटी होगी किसी पॉइंट पर कहीं थोड़ा ज़्यादा खराब बट देर विल भी सिमिलर एयर क्वालिटी बिकॉज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री डिस्पर्सन ऑफ द एयर पॉल्यूशन द स्मॉलर टाउन्स दैट डू नॉट हैव एज मनी पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज येट एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन तो यही दिक्कतें हैं ऐसे बिहार में इतनी सारी इंडस्ट्री है भी नहीं लेकिन फिर भी बिहार के अंदर एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जा रहा है क्यों क्योंकि पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो विंड्स के कारण ड्रैग हो कर के बिहार तक पहुंच रहा है एंड दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिहार एज वेल सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक विच सेज कि देयर आर एयर सेट्स एज पर दिस इंटायर नॉर्थ इंडिया इज पार्ट ऑफ वन एयर सेट and that is how one small step one point sourced step of controlling air pollution is not going to work in an effective manner so even if delhi ncr region fully implement all air pollution control measures it won't be able to keep air pollution below the permitted limit of 35 microgram per meter cube as per this world bank's report 60% of the south asians are exposed to this average एयर क्वालिटी दैट इज़ थर्टी फाइव माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ पर्टिकुलरट मैटर टू पॉइंट फाइव तो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं इसमें एयर क्वालिटी लगभग पैंतीस माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है मतलब एयर इसके अंदर पर्टिकुलरट मैटर टू पॉइंट फाइव की इतनी डेंसिटी है जो डब्ल्यू एच ओ के परमिटेड लिमिट से काफ़ी ऊपर है डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से पाँच माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मैक्सीम पर्टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव होना चाहिए उसके ऊपर नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज इस एयर सेट में 35 है कुछ कुछ जगहों पे तो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब भी पहुंचा हुआ है और कोई एक पॉइंटेड जगह पे किसी एक सिटी में एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने से कोई खास फ़ायदा होगा भी नहीं भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बट अलोन दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इंटायर साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश विल हैव टू वर्क टुगेदर बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर सेड विल नॉट अलाउ वन कंट्री टू फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम तो भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए उनको एक बार जरा देख लेते हैं हंड्रेड परसेंट एफ डी आई अलाउड इन ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल परचेज ऑब्लीगेशन बताइए ट्वेंटी थर्टी पी एम कुसुम स्कीम जिसमें सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम इज बींग डेवलप्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट मोर एंड मोर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोडक्शन नेट जीरो टारगेट फॉर इंडियन रेलवे हैज़ बिन स्टैब्लिश दैट हैज़ टू बी अचीव बाई ट्वेंटी थर्टी यानी कि इंडियन रेलवे कोशिश करेगा कि जितना वो ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है उतना वो एब्जॉर्ब भी करना शुरू कर दिया एंड ओवरऑल इट बिकम्स नेट जीरो बाई ट्वेंटी थर्टी एल ई डी बल्ब कैंपेन शुरू किया जा रहा है ताकि कम से कम फ्यू एनर्जी uh, की खपत हो लाइट uh, के लिए तो रोशनी के लिए कम से कम बिजली खपत होगी तो उतना कम कोल बर्न करना होगा उतना कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा सो so ये फ़ायदा होगा एल ई बल्ब कैंपेन से तो ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं बट येट दीज स्टेप्स अलोन आर नॉट गोइंग टू बी इनफ कभी एथिक्स में भी आप आंसर लिख रहे हो तो नाउ यू विल हैव टू से कि नाउ देर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कुड नॉट बी सॉल्व एट इंडिविजुअल कंट्री लेवल द वर्ल्ड कंट्रीज हैव टू यूनाइट टूगेदर दे विल हैव टू राइज बियॉन्ड देयर पेटी पॉलिटिक्स एंड दे विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशन टू द कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिव मैनर द नेक्स्ट आर्ट इज अबाट एट्थ एडिशन ऑफ फालकन फेस्टिवल दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मारी एस पेपर फाइव असाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पी परस्पेक्टिव से याद रखिएगा फालकन फेस्टिवल उसका एट्थ एडिसन इट वॉज स्टार्टड इन उमरांसो इन डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट तो फालकन फेस्टिवल मनाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोमोट द कंजर्वेशन ऑफ अमूर फालकन विच इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि साइबेरिया से आते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खासकर डोयांग लेक नियर नागालैंड वहाँ पर ये एक ब्रेक लेते हैं रेस्ट लेते हैं एंड देन दे मूव टुवार्ड्स साउथ अफ्रीका दिस इज़ हाउ द फाल्कन बर्ड्स ऑपरेट इन ईयर सर्दी के टाइम में वो साइबेरिया से निकल आते हैं और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हॉल्ट लेने के बाद दे गो टू साउथ अफ्रीका जहाँ पे जब नॉर्थ हेमोस्फेयर में, में सर्दी होती है तो साउथ अफ्रीका में उस टाइम में गर्मी होती है कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर देख लेते हैं लोकेशंस के हिसाब से साउथ टू नॉर्थ में सबसे पहले होगा पठानकोट उधमपुर श्रीनगर एंड देन सबसे नॉर्थ में है बारामूल और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रीज बहुत ट्रेजरेबल एंड डेटेड सिक्योरिटी बट स्टेट गवर्नमेंट कैन रिलीज ओनली डेटेड सिक्योरिटी जिसको हम स्टेट डेवलपमेंटल लोन कहते हैं नॉट ट्रेजरी द सो कर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दर सॉल्व फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग